मालूम है कि हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर टॉपिक क्लास में चल रहा है। डेथ का टॉपिक आजकल मैं करा रहा हूँ। इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ, 72 क्वेश्चन। मतलब कि ओल्ड बुक में अगर देखोगे ना, ओल्ड बुक का 72 क्वेश्चन है ये, और नई बुक से आप मैच कर लेना एक बार। मैं क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दूँगा। ओल्ड बुक का 72 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ, आप देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 72 है, कविता लीना मोनिका वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ना मोटा मोटा पढ़ देता हूँ, आप बुक में से क्वेश्चन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि कविता लीना मोनिका तीन पार्टनर है, इसमें तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 1:1:3, 1:1:3, और उनकी कैपिटल्स गिवन है। कविता की कैपिटल्स गिवन है, तीनों की गिवन है कि उनकी कैपिटल दे रखी हैं, कविता की 70,000, लीना की 65,000 और मोनिका की 2,10,000। ये तीनों की कैपिटल्स हैं। इनकी फर्म जो क्लोज़ होती है, इसमें जो फर्म क्लोज़ होती है ना, बिज़नेस बंद होता है 31 मार्च, यानी कि वही इस क्वेश्चन में जो ईयर है वो अप्रैल से मार्च है, अप्रैल से मार्च का ईयर चल रहा है। ठीक है, क्लियर। और हाँ, ये जो एक बात और ध्यान रखिएगा, एक नोटिस कर लीजिएगा कि इसमें कविता डाइड हुई है। मतलब कि एक पार्टनर जो डेथ हुई है उसका नाम है कविता, कविता इसमें डाइड हुई है, पहली पार्टनर है, नंबर वन पे है, और कविता का रेशो है 1:1:3। तो 1:1:3 का मतलब हो गया 1/5। कविता का जो शेयर बनता है, कविता अगर डाइड हुई है तो उसका कविता का शेयर 1/5 है फर्म में। और कविता इसमें जो डाइड हुई है ना, चेक कर लो, 30 सितंबर 2012 को। मतलब कि कविता जो मरी है 30 सितंबर 2012 में डेथ हुई है। अब आपको पहले ना एक बात ध्यान सुन लो, ये 30 सितंबर 2012 डेट है, तो ये कौन से ईयर में आएगी, सोचो, दिमाग लगाओ। 30 सितंबर 2012 है ना, तो ये कौन से ईयर में पड़ेगी। ये इसका ईयर होगा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, यानी कि ये जो 30 सितंबर 2012 है, ये पता कौन से ईयर में आएगी, ये आएगी 12 और 13 के ईयर में, ड्यूरिंग 12-13। 12-13 के ईयर में ये कविता डाइड हुई है, 12-13 ईयर चल रहा था, करंट ईयर 12-13 है इसमें, और 30 सितंबर को डाइड हुई है, और 1 अप्रैल से शुरू होता है। आप जानते हैं 1 अप्रैल से ईयर शुरू होता है, तो बताओ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, यानी कि कविता ने फर्म में 6 महीने तो काम किया ना, जो कविता है उसने फर्म में 6 महीने काम किया, समझ के, 30 सितंबर तक। और करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 12-13, ये याद रखना। अब आगे जब वो डेथ हुई है उसकी, कविता की, इसमें लिखा है कि कविता की जब डेथ होगी तो उसको क्या क्या देना है, मतलब कि जब कविता मरेगी तो उसे क्या क्या देना है, ये बुक में आराम से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। जैसे ए पार्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, कविता को 6% इंटरेस्ट देना है कविता की कैपिटल पर। ये कविता की कैपिटल, इसमें देखो पहले पार्टनर 70,000 है, उसके बाद इसमें जो पार्टनर मरेगा उसको गुडविल देनी है, जो पार्टनर मरता है उसकी गुडविल भी देते हैं ना, लेकिन इसमें पहले गुडविल ऑफ दी फर्म निकालनी होगी, गुडविल पहले फर्म की आपको निकालनी पड़ेगी, इसमें फर्म की पहले निकलेगी, फर्म की और फिर कविता की निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ना, फर्म की निकालने के लिए इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, इसमें ईयर परचेज 2 हैं, और एवरेज प्रॉफिट बेस पर निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है, लास्ट 3 साल का, और इसमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ये देखो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन है इसमें 90,101,010, ये 3 साल का है, इससे एवरेज निकाल के आप जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुडविल आ जाएगा फर्म का। उसके बाद इसमें रिजर्व, कविता जो मरेगी उसे रिजर्व फंड में भी शेयर देना, लिखा है रिजर्व में भी देना है, और रिजर्व फंड फर्म का दे रखा है 60,000, फर्म में जो रिजर्व है 60,000 है। तो ये बताइए तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में, तो कविता को भी मिल जाएगा। उसके बाद इसमें प्रॉफिट देना है, कविता 6 महीने काम कर गई तो कविता को 6 महीने का क्या देना है, कविता को 6 महीने का प्रॉफिट भी तो देना है ना, तो इसमें जो प्रॉफिट निकालना है ना, इसमें लिखा है जो प्रॉफिट निकालना है ना उसका, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल निकालना है। आपको लास्ट क्लास में याद होगा मैंने बताया था ये सेल के बेस पर निकालने वाला, इसमें लास्ट ईयर के पिछले साल के प्रॉफिट को बेस नहीं मानना, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस नहीं मानना, सेल को बेस मानना है, इसमें सेल के बेस पर निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें जानकारी क्या है, मैं बता देता हूँ बेटा जी, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप क्वेश्चन पढ़ना, इट इज़ आल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल ड्यूरिंग द ईयर 11-12-20 लाख, याद रखना ये जो सेल क्वेश्चन में 20 लाख दे रखी है 11-12 यानी कि पिछले साल की है, क्योंकि मैंने बताया था ना करंट ईयर तो 12-13 है, जब कविता मरी है वो तो 12-13 है, तो ये सेल कब की है, ये तो लास्ट ईयर की है, पिछले साल, इसमें पिछले साल की सेल दे रखी है कि लास्ट ईयर में 11-12 में फर्म की सेल 20 लाख हुई थी। और मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाता हूँ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012,
देखो याद रखना, ये जो प्रॉफिट 2 लाख दे रखा है ना, ये कौन से ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 12, जो 31 मार्च 12 को ईयर एंड होता है ना, वो इसका मतलब 11-12 का साल है, क्योंकि 31 मार्च 12 को तो एंड ही हो रहा है, तो कौन सा साल हुआ वो जो एंडिंग हो रहा है 12 में, वो 11-12। तो ये जो प्रॉफिट 2 लाख दे रखा है ना क्वेश्चन में, फर्म ने कमाया, ये भी पिछले साल का है, 2 लाख लास्ट ईयर का है, कि पिछले साल 11-12 में, क्योंकि 11-12 एंडिंग का है ये, पिछले साल फर्म को 2 लाख प्रॉफिट हुआ था। अच्छा देखो, इसमें पिछले साल की सेल भी है कि पिछले साल फर्म में सेल कितनी हुई और पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको पता है ये लास्ट ईयर की सेल और प्रॉफिट है ना, इससे हम ना परसेंटेज निकाल लेंगे कि पिछले साल फर्म कितने परसेंट कमाती थी। और देखो अब इस क्वेश्चन में जो एक सेल और दे रखी है, वो सेल दे रखी है 1 अप्रैल 12 से 30 सितंबर 12 तक, और ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 4 लाख सेल है, ये 6 महीने की सेल है। और आपको बताइए, ये 1 अप्रैल 12 से ये 30 सितंबर 12, ये जो पीरियड है ना 1 अप्रैल से 30 सितंबर 12, ये वो पीरियड है 6 महीने का जब कविता फर्म में थी। ये करंट ईयर का पीरियड है, 1 अप्रैल 12 से 30 सितंबर 12, ये करंट ईयर का पीरियड है और ये 6 महीने का है। तो 6 महीने की सेल दे रखी है 4 लाख, और ये 4 लाख वही सेल है जो आपकी करंट ईयर में हुई है, लेकिन पूरे साल की नहीं, 6 महीनों में, ये वही 6 महीनों की है जब कविता फर्म में थी। कविता जब 6 महीने फर्म में थी, ये 6 महीने की सेल है। तो इस सेल के जरिए हम कविता का मरने वाले का प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो ये क्वेश्चन हमारे को, मैंने रीडिंग करवा दिया, मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, आप देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं एक एक करके कराता हूँ, ये 72 में, और इस क्वेश्चन में मैं ना सारी एंट्रीज भी करवाऊँगा, ये 72 में एंट्रियाँ भी करवाऊँगा, फिर कविता का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, मैं इसमें एंट्रीज भी आपको डिस्कस करूँगा कविता की। देखो सबसे पहले 72 क्वेश्चन में ए पार्ट में लिखा था कि इसमें कविता डाइड हुई है और उसका फर्म में जो शेयर है 1/5 है, 1/5 की पार्टनर है, और कविता की जो कैपिटल है ना वो 70,000 है, याद रखना फर्म में उसकी कैपिटल 70,000 रुपये की है। अब सबसे पहले ए पार्ट में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, कविता मरेगी, कविता को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कविता मरेगी तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और कविता ने 6 महीने काम किए याद रखना फर्म में, 6 महीने। और मैं एक बात और बता दूं, इसमें करंट ईयर जो है वो 12-13 है, जब कविता मरी है वो 12-13 ईयर में मरी है, 12-13 में, याद रखिएगा। और कविता को क्या देना है बताइए, इंटरेस्ट ऑन IOC देना ना कविता को, वो कविता की कैपिटल पर निकालेंगे, 70,000 उसकी कैपिटल है, और कविता को जो इंटरेस्ट देना है क्वेश्चन में लिखा है 6% देना है, लेकिन आप बताइए 6 महीने का देंगे, क्योंकि उसने 6 महीने ही तो काम किया है, तो 6 महीने का उसका इंटरेस्ट निकाल लो, 70,000 पे 6% और 6 महीने का, कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका 2100 रुपये, यानी कि कविता को जो IOC देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2100, और मैं इसकी एंट्री भी करवाऊँगा साथ में, कविता को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2100 देना है, और इसकी एंट्री क्या होगी, कविता को देना है, जब याद रखना कविता को देंगे, पार्टनर को देते हैं कुछ तो पार्टनर क्रेडिट होगा, तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट IOC अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट, ये देख लीजिएगा 2100 रुपये से, क्यों समझ गए होगे, IOC टू कविता, वो इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों कविता को जब भी पार्टनर को कुछ देते हैं ना तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और IOC डेबिट होगा। बी पार्ट में लिखा था जो कविता डाइड होगी उसको गुडविल का शेयर देना, कविता की गुडविल का शेयर, कविता मर गई उसकी गुडविल का शेयर, लेकिन कविता की गुडविल निकालने के लिए पहले आपको गुडविल जो है वो फर्म की निकालनी होगी, गुडविल पहले किसकी, फर्म की, और वो गुडविल फर्म की कैसे निकलेगी, इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से, गुडविल अगर फर्म की निकालनी है तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ, और गुडविल फर्म की कैसे निकलती है आप जानते हो, ईयर परचेज, जितने ईयर परचेज है इनटू में एवरेज प्रॉफिट, ईयर परचेज को एवरेज से गुना करते हैं तो गुडविल फर्म की आती है, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको करवाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी। तो ये देखिएगा, अब इसमें पहले आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, पहले एवरेज निकालते हैं ना, और इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें जो एवरेज निकालना है ना, क्वेश्चन में देखिएगा 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं ना फर्म के दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, और क्वेश्चन में प्रॉफिट है, पढ़ के देख लीजिएगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे हैं फर्म के 90, 1 लाख और 1,10,000, तो इनका टोटल कर लो, ये फर्म के जो प्रॉफिट है 3 लाख है, फर्म का ये जो प्रॉफिट गिवन है ये 3 लाख रुपये, तीनों प्रॉफिट जोड़ लो, फर्म का टोटल आ रहा है 3 लाख।
अब ये 3 लाख आ गया तो ये तो टोटल आ रहा है ना। हाँ जी, इस 3 लाख को 3 से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख एवरेज आ गया। और जब 1 लाख एवरेज आ जाएगा फिर गुडविल निकाल लो। अब फर्म की कैसे निकलेगी, ईयर परचेज इसमें याद रखना, जो ईयर परचेज थे ना, ईयर परचेज वो 2 थे, क्वेश्चन में पढ़ लेना। और एवरेज आ रहा है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये एवरेज आ रही है। तो 1 लाख को 2 से करो तो गुडविल ऑफ दी फर्म आ रही है 2 लाख। ये गुडविल फर्म की आ गई। अब कविता की गुडविल निकाल लो, 2 लाख रुपये इंटू में 1/5 की मालिक थी वो, तो कविता की गुडविल आ गई 40,000। जो कविता उसकी गुडविल 40,000 पे आ रही है। और आप मुझे बताइए ये जो कविता की गुडविल आ रही है, अब इसकी याद होगा मैंने एंट्री करवाई थी आपको, अब कविता की गुडविल आ रही है तो अब बताइए ये कविता की गुडविल उसे कौन देंगे, जो बाकी के बचे हुए लीना और मोनिका पार्टनर हैं, जो लीना मोनिका 2 पार्टनर हैं। कविता की गुडविल आ गई तो कविता की गुडविल की मैंने एंट्री क्या करवाई थी आपको याद है, इसकी भी एंट्री होती है अगर आपको याद हो तो, इसकी एंट्री होती है मैं आपको बताता हूँ। ये रिमेनिंग पार्टनर लीना मोनिका डेबिट टू कविता, ये दोनों लीना और मोनिका 2 पार्टनर, ये दोनों मिलकर कविता को उसकी गुडविल देती हैं ना, और कविता की गुडविल 40,000 पे है, तो लीना मोनिका कविता को उसकी गुडविल देंगी। और ये एंट्री आपको याद है गेन रेशो में होती है, लीना मोनिका गेन रेशो में ही तो कविता को देती हैं ये गेन रेशो। तो बताइए इस एंट्री के लिए गेन रेशो चाहिए। अब गेन रेशो की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है वही गेन होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो लीना मोनिका की ओल्ड है ना वही गेन है। और लीना मोनिका की ओल्ड बताऊँ कितनी है, क्योंकि रेशो जो क्वेश्चन में गिवन थी ना वो 1:1:3 थी, कविता लीना और मोनिका, तो आप लीना मोनिका की निकालो, लीना और मोनिका की 1:3 है, 1:3 है देख लो, तो यही उनकी गेन हो जाएगी, गेन रेशो इसमें 1:3 है। तो 40,000 को 1:3 में बांटोगे तो 10,000 और 30,000, ये लो ये गुडविल एंट्री हो गई, ये कविता को उसकी गुडविल दे दी। और सी पार्ट में लिखा था रिजर्व, रिजर्व जो दे रखा था 60,000 था, 60,000 पता है किसके पास है, फर्म के पास। तो बताइए जब कविता डाइड होगी तो ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये रिजर्व को भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना तीनों पार्टनर में, तो ये 60,000 के रिजर्व को भी, इसकी भी एंट्री हो जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कविता लीना एंड मोनिका, और ये 60,000 का रिजर्व है। तो ये रिजर्व बताइए ओल्ड रेशो में तीनों में बढ़ जाएगा 1:1 और 3 में, तो डिवाइड करोगे तो 12,000 और 36,000, ये मैंने रिजर्व बांट दिया। और कविता को कितना रिजर्व मिला, 12,000, याद रखना। अच्छा उसके बाद इस क्वेश्चन में डी पॉइंट, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं नेक्स्ट पेज पर करा रहा हूँ, डी पॉइंट बढ़िया है, वही मेन पॉइंट है डी पॉइंट। डी पॉइंट में ना अब कविता का प्रॉफिट का शेयर देना है, कविता को प्रॉफिट का शेयर देना है कविता को, और वो भी कितने महीनों का, 6 महीनों का। बताओ कविता का 6 महीनों का प्रॉफिट देना है, लेकिन कविता का जो 6 महीने का प्रॉफिट देना है उसके लिए ना लास्ट ईयर की सेल गिवन है, तो इसमें बेस किसको मानना है, सेल को। ये सेल वाला पॉइंट है, और ये 2-3 क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चनों में मिलेगा, 3-4 क्वेश्चनों में, समझ लो बेटा जी। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़वाई दिया था, इसमें लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, और लास्ट ईयर इसमें 11-12 है, तो क्वेश्चन में पढ़ के देख लेना, 11-12 की सेल दे रखी है, कि पिछले साल जो सेल हुई थी 20 लाख हुई थी, 20 लाख, ये 20 लाख लिखा है, फर्म की सेल 20 लाख हुई थी। और हाँ लास्ट ईयर का 11-12 का प्रॉफिट भी दे रखा है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दे रखा है, कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था 2 लाख हुआ था, ये 2 लाख जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का है, पिछले साल का है, और ये सेल भी पिछले साल की है। देखो ये सेल पिछले साल 20 लाख हुई और प्रॉफिट 2 लाख। बेटा जी एक ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि आपको ना इन दोनों बातों से ना 20 लाख और 2 लाख से आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, कि हमारी फर्म कितने परसेंट प्रॉफिट कमाती है, हमारी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो कितने परसेंट कमाती है, वो निकालो, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो। अरे सोचो, दिमाग लगाओ यार, बच्चे इंटेलिजेंट हो यार, एक बात बताओ, 20 लाख की सेल हुई तो फर्म ने 2 लाख प्रॉफिट कमाया, 20 लाख के ऊपर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, कोई भी बता सकता है, अगर 20 लाख सेल हो और 2 लाख प्रॉफिट हो तो बताओ फर्म कितने परसेंट कमाती है, फर्म का प्रॉफिट का परसेंटेज 10% नहीं है, अब अंदाज़ा लगाओ कि फर्म 10% ही तो कमाती है यार, 20 लाख के ऊपर 2 लाख कमाना तो बताइए कितने परसेंट हुआ, 10% ही तो हुआ,
कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो, यानी कि फर्म की क्या आदत है कि फर्म जो प्रॉफिट कमाती है 10% से कमाती है, 20 लाख पे 2 लाख। अगर नई परसेंटेज निकालनी आती तो ऐसे निकाल लो, परसेंटेज ऐसे निकलती है, 2 लाख प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रख दो और 20 लाख सेल हुई वो नीचे रख दो, प्रॉफिट ऊपर सेल नीचे इनटू में 100 लगा दो परसेंटेज निकालने के लिए। सॉल्व कर लो, चलो नहीं आता तो बता देता हूँ, ये लो तब भी 10% ही आ रहा है, ये देख लीजिएगा तब भी 10% ही कैलकुलेट हो रहा है, देख लीजिएगा। यानी कि फर्म जो प्रॉफिट कमाती है 10%। अब आप मुझे बताइए फर्म की क्या आदत है, हमारी फर्म जो 10% से प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। अब आपको पता है हमारी फर्म की ना एक सेल और दे रखी है, एक सेल आपको करंट ईयर की भी दे रखी है, करंट ईयर जब कविता डाइड हुई, जब कविता डाइड हुई एक फर्म की आपको सेल दे रखी है 4 लाख। क्वेश्चन में देख लेना कि फर्म को 4 लाख सेल करी है, लेकिन ये जो फर्म की सेल है ना ये करंट ईयर की पूरे ईयर की नहीं है, ये जो फर्म की सेल है ये 1 अप्रैल 2012 से 30 सितंबर 2012 तक है। यानी कि ये जो फर्म ने 4 लाख सेल करी है ये अप्रैल से सितंबर, यानी कि ये 6 महीनों की सेल है, ये फर्म की जो 4 लाख सेल दे रखी है ये 6 महीनों की ही सेल दे रखी है, और ये वही 6 महीने हैं जब कविता वर्क कर रही थी, जब कविता काम कर रही थी ये वही 6 महीनों की सेल है। अच्छा बताइए अगर सेल 4 लाख है तो इसके ऊपर भी तो प्रॉफिट निकाल सकते हो ना, 4 लाख की फर्म सेल कर रही है तो 4 लाख के ऊपर बताओ फर्म प्रॉफिट कितना कमाएगी, फर्म का प्रॉफिट कितना होगा। अरे फर्म की परसेंटेज देखो ना, फर्म का प्रॉफिट का परसेंटेज 10% है ना अभी अपने निकाला, तो फर्म अगर 10% कमाती है तो 4 लाख की सेल है फर्म की, तो इसके ऊपर भी 10% निकाल लो ना, तो यानी कि 40,000 आ गया। इसका मतलब हमारी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है 40,000 कमाएगी, और ये हमारी फर्म का जो प्रॉफिट 40,000 आ रहा है ये वही 6 महीनों का आ रहा है जिन 6 महीनों में कविता काम कर रही थी, ये 6 महीने का आ गया। अब फर्म का बताओ ये 40,000 6 महीनों का प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये तो फर्म का है और ये वही 6 महीनों का है जब कविता थी, तो बताइए ये फर्म का 40,000 6 महीनों का आ गया तो अब इसमें कविता का भी तो प्रॉफिट हो, इसमें कविता को तो दो, कविता का भी तो प्रॉफिट बनता है, 40,000 में कविता का हिस्सा है, आप बताइए कविता का क्या हिस्सा बनेगा इसमें, 40,000 ये रखना, ये सीधा 6 महीनों का ही आ गया है, इसको चेंज नहीं करना, ये 6 महीनों का ही है, तो कविता का प्रॉफिट कितना बनेगा, 40,000 का 1/5 की मालिक है ना कविता, तो 8,000, तो कविता का प्रॉफिट 8,000 आ रहा है 6 महीनों का, ये लो एक कविता का 6 महीनों का प्रॉफिट आ गया। ये कैलकुलेशन इसमें मेन थी सेल वाली, पहले मैंने क्या किया पिछले साल की सेल और प्रॉफिट था तो मैंने पहले परसेंटेज निकाला, फिर मुझे पता लगा फर्म 10% कमाती है, फिर फर्म की सेल जो 4 लाख थी वो 6 महीनों की दे रखी थी कविता के काम करने वाले महीनों में, फिर मैंने उसका प्रॉफिट निकाल लिया और ये फर्म का आया फिर कविता का प्रॉफिट। तो ये सेल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना, जिसमें सेल को बेस मानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये कविता का प्रॉफिट आ गया 6 महीनों का, अब क्या करेंगे मैं अगले पेज पर आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे। अच्छा इसकी मैं एक एंट्री भी करवा दूँ, आप मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या होती है, कविता का प्रॉफिट कितना आ रहा है बताइए, 6 महीनों का कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है ना, तो इसकी मैंने क्या एंट्री कराई थी, इसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आता है ना कविता का, इसकी एंट्री मैंने P&L सस्पेंस से बोली थी, और ये कविता को देना है तो कविता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो P&L सस्पेंस टू कविता कैपिटल करके ये 8,000 से एंट्री कर देना, ये फर्म ने कविता को उसका प्रॉफिट दे दिया, बस यही डी पार्ट, यही थे 4 पार्ट ही थे, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने देखो ये डी पार्ट करा दिया, इसकी एंट्री प्रॉफिट की करा दी, इससे पहले देखो मैंने ये गुडविल की एंट्री करवा दी, और ये मैंने करा दी रिज़र्व की, और ये मैंने करा दी आईओसी के भी सारे पार्ट मैंने इसके सॉल्व कर दिए हैं, एंट्रियां मैंने सारी करा दी। अब इस क्वेश्चन में हम कविता का कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, मैं कविता का कैपिटल अकाउंट भी आपको बना के दिखाता हूँ, ये कविता का कैपिटल अकाउंट है जो मर रही है उसका। अच्छा ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से शुरू होता है, आप जानते हो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इधर जो जो देना है कविता को, जो जो देना है सबसे पहले आप बताइए, इसमें हम BD से शुरू करते हैं और पहले कविता की कैपिटल लिखते हैं, कविता मरेगी तो उसको कैपिटल भी तो देनी है ना, तो कविता की कैपिटल क्वेश्चन में देखना 70,000 है, उसके बाद इधर वो लिखो जो जो कविता को देना है, क्या देना है कविता को, अब भूल गए, एक तो उसका IOC देना था कविता को 2100 रुपये, ये जो एंट्रियां पीछे करी हैं ना, जो आपने एंट्रियां पीछे करी हैं उनकी पोस्टिंग कर लेना ना, जितनी आपने एंट्रियां नहीं करी उनकी पोस्टिंग कर लो ना,
तो इधर ही आएगी ना, ये कविता को IOC देना है। और एक एंट्री ये देखो, P&L सस्पेंस 2 कविता, ये कविता को क्या दिया, प्रॉफिट दिया है 6 महीने का, तो यहाँ कविता क्रेडिट ही तो है। तो ये P&L सस्पेंस के नाम से ये कविता को उसका 8000 प्रॉफिट नहीं दोगे, ये 6 महीने का उसका जो प्रॉफिट है ये दे दिया। और कविता को क्या देना है, रिजर्व, भूल गए, कविता को रिजर्व देना है। रिजर्व की मैंने एंट्री कराई थी, याद करो, रिजर्व की मैंने एंट्री कराई, रिजर्व टू KLM, ये कविता क्रेडिट हो रही है, तो ये कविता को उसका रिजर्व भी तो देना है। लेकिन कविता का हिस्सा सिर्फ 12000 आया था, कविता का शेयर 12000। और कविता को क्या देना है, ये जगह यहाँ पे कम पड़ रही है थोड़ी, और कविता को क्या देना है, अरे भूल गए, कविता को उसकी गुडविल देनी है, लेकिन वो एंट्री लीना एंड मोनिका के नाम से होगी, लीना एंड मोनिका के नाम से। ये हमने एंट्री नहीं करी थी यहाँ पर, आपको याद होगा, ये लीना मोनिका टू कविता, कविता क्रेडिट हो रही है, ऑपोजिट लीना मोनिका का नाम है, तो ये लीना एंड मोनिका के नाम से, एक मिनट ये पेज थोड़ा सा, बाय लीना मोनिका, ये कविता को उसकी गुडविल का शेयर नहीं देना। और उसकी गुडविल आप याद करो कितनी आई थी, 40000 आई थी कविता की गुडविल, ये कविता की मैंने उसकी गुडविल दे दी, ये उसका रिजर्व दे दिया, उसका प्रॉफिट दे दिया, उसका IOC दे दिया, और ये कविता की कैपिटल। और इधर कुछ नहीं आया, डेबिट में कुछ भी नहीं है, इधर डेबिट में वो आता है जो उससे लेना है, ड्रॉइंग और IOD, लेकिन वो है नहीं। अब बस इधर क्रेडिट में से डेबिट घटा दो, इधर कविता की क्या आ जाएगी बताइए, फाइनल पेमेंट आ जाएगी, कविता की फाइनल पेमेंट निकाल लो, और जो भी फाइनल पेमेंट आएगी, ये आ रही है 70000, और ये 12 और 8 20 और 40 60, ये कविता की फाइनल पेमेंट आ रही है 132100 रुपये, बिल्कुल ठीक आ रही है, क्वेश्चन में देख लेना। और ये जो कविता की पेमेंट आ रही है, इसके आगे हम कविता एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख देंगे, क्यों आप भी जानते हैं, क्योंकि ये कविता की पेमेंट किसको जाएगी, कविता के एग्जीक्यूटर को देनी है ना, एग्जीक्यूटर को, तो ये कविता एग्जीक्यूटर के नाम से एंट्री कर देना, और यहाँ पे टोटल कर देना, नीचे आपका कविता का कैपिटल अकाउंट बन गया, और ये कविता की पेमेंट आ गई। अच्छा, ये जो कविता की पेमेंट आई है, इसको आपने कहाँ किसको देना है, एग्जीक्यूटर को, तो ये पेमेंट आप कविता के एग्जीक्यूटर को दे रहे हो ना, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये पेमेंट हम एग्जीक्यूटर को दे रहे हैं ना, तो इसकी भी मैं एक एंट्री करवाता हूँ। इसकी एंट्री मैंने पहले भी कराई थी, इसकी एंट्री होगी कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये एंट्री पता है किसकी है, फाइनल पेमेंट को, फाइनल पेमेंट को ट्रांसफ़र करने की कविता के एग्जीक्यूटर में, ये पेमेंट को मैं, ये एंट्री किस चीज़ की है, मैंने टाइटल लिखा ऊपर, ये किस बात की है, जो पेमेंट आई है उसे एग्जीक्यूटर में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र, पेमेंट को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये पेमेंट को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। तो कविता कैपिटल टू एग्जीक्यूटर करके ये 132100, ये 132100 हमने ये पेमेंट उठाकर एग्जीक्यूटर में क्रेडिट कर, एग्जीक्यूटर को दे दी। तो ये मैंने इसकी एंट्री करी है, जो पेमेंट आती है उसे एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये उसकी एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है, कविता कैपिटल टू एग्जीक्यूटर, पेमेंट जो आई उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में, कविता के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसकी एंट्री ये बनती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको पूरी डेथ के काफ़ी टॉपिक का नॉलेज मिल गया होगा।